जहां होती है जीवन की रक्षा, वहां नौनिहालों को दुनिया देखने से पहले मिली मौत। न शासन न प्रशासन, किसी के पास नहीं है कोई जवाब। कौन लाकर देगा उन माताओं को उनका लाल? सात माताओं की कोख हुई सोनी, बेबी केयर सेंटर में लापरवाही बनी कितनी खूनी। बेबी केयर सेंटर में जहां होती है जीवन की आस, वहीं अस्पताल की लापरवाही ने बुझा दिए कई घरों के चिराग। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित एक बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात को ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। अस्पताल में फंसे 12 नवजात बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन इनमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग में अस्पताल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, यहां तक कि आसपास की इमारतें भी आग की लपटों की चपेट में आ गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के फरार मालिक नवीन चीची के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए IPC की धारा 336, 304 ए और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बात की जांच की जा रही है कि अस्पताल के पास फायर की NOC थी या नहीं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट जो है विवेक विहार के अंदर खड़े हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बेबी केयर सेंटर है जो कल देर रात जो है यहाँ पे आग लगने के कारण जो है 7 बच्चों की जलकर मौत हो गई। और ये जो सिलेंडर आप देखिए, सिलेंडर जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, लगातार फट रहे थे। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से जो सिलेंडर है वो यहाँ पे रिफिल किए जाते थे, जिसकी परमिशन ही नहीं थी। पहले नंबर जो इसका मालिक है नवीन, वो अभी इस वक्त जो है अभी यहाँ पे नहीं है, और इसके ऊपर पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है। और हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंग के आप इतना छोटा सा बिल्डिंग के अंदर बेबी केयर सेंटर चलाना यानी कितना मुश्किल का काम था। अगर दूसरी बात करें सूत्रों के अनुसार, तो यहाँ पे अगर फायर की बात करें तो फायर का कोई सुविधा हमें नजर नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं कि कोई फायर का सुविधा नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे जो बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था, आखिर किसकी मिली भगत से चलाया जा रहा था? और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, शहादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाकया सामने आया है, झकझोर के देने वाली थी। कुल 12 बच्चे थे, और दूसरी बात ये कि 12 बच्चे को जो है रेस्क्यू किया गया था, और 7 बच्चे जो है यहाँ पे जलकर मर गए थे। और मैं दूसरी तस्वीर ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दूसरी तस्वीर है जो बिल्डिंग है, इसमें भी आग लग गई थी, जिसको जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसे बुझाने की कोशिश की। और जो फायर जो बेबी केयर सेंटर है, इसमें जो आग लग रही थी, और ये सिंडिकेट बैंक है, और मैं पीछे दिखाऊंगा, ये स्कूटी बिल्कुल जल के खाक हो गया था। और लगातार जिस तरीके से पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे परिजन का अगर मैं दूसरी तस्वीर उस तरफ में दिखाना चाहता हूँ, ये दूसरी तस्वीर है जो परिजन यहाँ पे बिल्कुल शोर मचा रहे हैं, और कई बच्चों को जो है अभी तक पता भी नहीं चल पाया। इनका आरोप ये है, अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या रुख अपनाती है, और क्या इसमें लापरवाही किसकी है, क्या इस बीच बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग में नीचे अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। स्थानीय निवासियों ने इसे लेकर कई बार शिकायत की थी, और बेबी केयर सेंटर के मालिक को भी कहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मासूमों की मौत को लेकर सवाल तो कई है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया? बेबी केयर सेंटर के बाहर पहुंची एक महिला ने हमारे संवाददाता से कहा कि उसने न्यूबॉर्न बेबी को एडमिट कराया था। डॉक्टर ने उनसे आज अपना बच्चा ले जाने को कहा था, लेकिन जब वो नवजात का पता लगाने आई तो पता चला कि उनका मासूम अब काल के गाल में समा चुका है। हमारे हिसाब से तो 15-20 बच्चे तो थे जी। हाँ, इसमें हमारा बच्चा तो आगे था। कल हम 9 बजे आए थे मुन्ने जी।
हमारी बहू आई थी 9 बजे रात में मिलने दिया, पहले बात में मिलने नहीं देते थे, उसके बाद में बोले कि कल तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा निकाल ले जाना। सुबह हम लोग फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहे, थोड़ी देर के बाद में किसी ने बताया कि बेबी हॉस्पिटल में आग लग गई। हम लोग बोले उसमें तो हमारे बच्चे थे भैया, भग के आए, यहाँ पे कोई नहीं था। पुलिस भी नहीं तो झूठ बोल रहे पुलिस वाले की यहाँ पे मैं तो था। अचानक 11 बजे तक कहाँ थे, सब भूल में घुसे हुए थे, वो गाड़ी खड़ी हुई है, कैसे आग लगी हमें तो ये भी पता नहीं है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे विधायक राम निवास गोयल ने कहा कि बचाए गए बच्चों का सबसे अच्छे निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मृतकों और घायलों के परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बेबी सेंटर के संचालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी आदेश दे दिया गया है। सबसे ऊपर भी लोग चले हुए थे, नारायण ने मुझे बताया बच्चों और कुछ लोगों की मदद से लोग बच्चों को ये दिल्ली केयर सेंटर है बच्चों का बताया 11 बच्चों जब आज यहाँ घुस गई वहीं इस घटना के बाद से सभी दिल्लीवासी दुखी हैं। पीएम मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और इस हादसे पर शोक प्रकट किया, लेकिन उन माओं का क्या, उन परिवारों का क्या जिनके घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया।